पूर्वांचल में हीट वेव ने कहर बरपा रखा है। पूर्वांचल के कई जिले हीट वेव से प्रभावित हुए हैं, लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। वाराणसी में भी हीट वेव का व्यापक असर है। बलिया, प्रतापगढ़, देवरिया के बाद वाराणसी से भी हीट वेव को लेकर अच्छी खबर सामने नहीं आ रही। वाराणसी के अस्पतालों में हीट वेव की चपेट में आकर लोग भर्ती हो रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। इसमें से कुछ लोगों के भी दम तोड़ने की सूचना मिली है। हालांकि प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि हीट वेव से ही लोगों की मौत हुई है। इसकी पुष्टि तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए। लेकिन जो भी हो, गर्मी से परेशान होकर, डायरिया से पीड़ित होकर हीट वेव की चपेट में आकर लोगों के अस्पताल आने का सिलसिला जारी है, भर्ती होने का सिलसिला जारी है। अस्पताल के इमरजेंसी में बुरा हाल है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कल से लेकर आज तक करीब 200 से ज़्यादा पेशेंट वाराणसी के पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय और श्री शिव प्रसाद गुप्त वाराणसी मंडली अस्पताल में पहुंच चुके हैं। करीब 200 से 250 लोगों की ओपीडी में जांच की गई और हीट वेव से उनके ग्रसित होने पर उन्हें इलाज के लिए एडमिट किया गया। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 से 3 दिनों में हीट वेव के मरीजों में काफ़ी इजाफा हुआ है और लोगों की जरा सा लापरवाही उनकी जान पर बन रही है। वाराणसी में जो प्रशासन है उसने एक एडवाइजरी भी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है कि हीट वेव को लेकर जरा भी लापरवाही न बरती जाए और जो भी सावधानियां हैं वो उसका लोग पालन करें और दोपहर में कम से कम बाहर निकले, धूप से बचें, ठंडे पानी का सेवन करें। अगर हीट वेव जैसे बीमारी के कोई लक्षण सामने आते हैं तो उसमें तत्काल डॉक्टरी सलाह लें, अस्पताल पहुंचें और इलाज शुरू कराएं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। प्रशासन की ओर से यह निर्देश बार बार जारी किया जा रहा है, इसके बावजूद लोग कामकाज के सिलसिले में धूप में निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और लू और भीषण गर्मी की चपेट में आ रहे हैं और बीमार पड़ जा रहे हैं। वाराणसी में बात करें तो अभी तक जो सुबह से करीब 60 से 70 पेशेंट यहां पर एडमिट किए जा चुके हैं, जो इमरजेंसी के वार्ड हैं वो गर्मी से परेशान होकर डायरिया की शिकायत से या दस्त के उल्टी की शिकायत पर जो मरीज आ रहे हैं उनको भर्ती किया जा रहा है, उनका उपचार किया जा रहा है। जो अस्पताल प्रशासन है उसका दावा है कि यहाँ इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाएँ उपलब्ध हैं और जो ज़रूरी संसाधन है वो भी मौजूद हैं। डॉक्टरों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है, सीएमओ की ओर से बकायदा अस्पतालों को अलर्ट किया गया है और डॉक्टरों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है कि कोई भी परिस्थिति हो डॉक्टर आने वाले मरीज का इलाज करें और उन्हें बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था उपलब्ध कराएं। तो लोगों से लगातार प्रशासन अपील भी कर रहा है और लोगों से सावधानी बरतने की गुजारिश भी कर रहा है। इसके बावजूद जो मौसम का कहर है वो लोगों को अपना शिकार बना रहा है और अपने चपेट में ले रहा है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग हीट वेव की चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ वाराणसी के अस्पतालों की हालत इस तरह हीट वेव के चपेट में आने वाले लोगों से बुरी हो रखी है। अस्पताल के बेड लगभग फुल हो चुके हैं और डॉक्टर उनको इलाज कर रहे हैं, उनको चिकित्सकीय सलाह दे रहे हैं, उनको ड्रिप चढ़ाई जा रही है, उसके बाद ठीक होने पर यहाँ डिस्चार्ज किया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि करीब अस्पताल में कल से आज तक में 15 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये जो मौत हुई है वो हीट वेव से ही हुई है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती उससे के बिना ये कहना गलत होगा कि ये जो मरने वाले जो लोगों की मौतें हुई हैं वो हीट वेव से ही हुई है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इनकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण, भीषण गर्मी के कारण लोगों के बीमार होकर अस्पताल पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल अपने सहयोगी मदन मुरारी पाठक के साथ।